आज चैत्र नवरात्रों के अष्टमी का दिन है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ में अष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पर माता जी के महागौरी की रूप में पूजा की जाती है। हालांकि अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर जहां मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की गई, वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के चलते मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहे और इस बार मंदिर में अष्टमी पूजन में श्रद्धालु देखने को नहीं मिले। अष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली के साथ लगते कई क्षेत्रों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते थे, लेकिन इस बार मंदिर में सन्नाटा पसरा है और मात्र पुजारी और सुरक्षाकर्मी ही मौजूद रहे। अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर घर बैठे माता के दर्शन के लिए चैनल ने ये व्यवस्था की थी, करिए मां के दर्शन। वही चरणारवे मणि गुणो हरि सो माराध्या प्रणति जन सौभाग्य जननी पुराण ऋभुत्वा स्मुररिपुमपेक्षो पवनयत स्मरूपी त्वां दत्त्वा नयनले ये नवपुषा मुनीना माभ्यन्ते प्रभवति मोहाहि महितां धनुर्पुष्पमुर्मि मधुकरमये पांशविशिखा वसन्ते पालय मरुदायो धनुरथ तथापि कैसोर्वा हिमगिरि सद्वा जगदि नर्मलंको। जय माता दी। जैसा कि सर्वविदित है, वर्तमान में वासंतिक चैत्र नवरात्रों का पर्व चल रहा है और इस पर्व में आज वासंतिक चैत्र नवरात्रों की अष्टमी का पर्व, जैसा कि नैना देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, इस पूजा अर्चना में हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तथा वर्तमान में जो ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी से सभी लोगों को, इस बीमारी से सभी लोग छुटकारा पाएं और संपूर्ण विश्व जो है इस महामारी से शीघ्रातिशीघ्र बाहर आए, इस मनोकामना के साथ हम नैना देवी मंदिर में सभी पुजारी वर्ग जो है अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम माता नैना देवी से, नैना महिषमर्दिनी से यह प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व इस महामारी से शीघ्रातिशीघ्र बाहर आए और अपने आगे के कल्याण में प्रशस्त हो।